गुड मॉर्निंग एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी खजाना द लैंग्वेज गुरु। एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इस प्रोनाउन को समझने से पहले इसके वर्ड को एक मिनट डिस्कशन करना चाहेंगे। इस वर्ड को आप यदि अच्छे से समझ लेते हैं तो मेरा भरोसा रखिए, आप आधी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूं ही समझ जाएंगे। कैसे, देखिए, रिफ्लेक्स जो है, रिफ्लेक्सिव एक्चुअली वर्ड है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो बना कैसे, ये वर्ड को तो थोड़ा सा मैं ऑपरेशन कर रहा हूं इसे। तो रिफ्लेक्ट का बना हुआ है रिफ्लेक्सिव, यानी जो वर्ड है रिफ्लेक्ट, ये वर्ड का मतलब होता है प्रतिबिंबित करना, प्रतिबिंबित करने मतलब छाया। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर वे सारे प्रोनाउंस आएंगे जो कि रिफ्लेक्ट रहेगा किसी न किसी का, किसी न किसी सब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन उस पर दिखेगा। तो उसको पहले समझ लेते हैं और उदाहरण में जब आएंगे तो इस बात पर आप गौर करेंगे कि किस तरह से सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है इसके दोनों एक ही चीज को रिफ्लेक्ट करते हैं। सब्जेक्ट जो है वो स्वयं के लिए यूज होता है, ठीक है। तो आइए चलते हैं वर्ड की और समझते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, तो ये जो है पर्सनल प्रोनाउन है। आप सब जानते हैं पहले से पर्सनल प्रोनाउन, पिछले वीडियो मैंने बताया पर्सनल प्रोनाउन, और पर्सनल प्रोनाउन से ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है। तो इसलिए पर्सनल प्रोनाउन यदि आप अच्छे से सीखें तो रिफ्लेक्सिव सीखने में अधिक परेशानी सामने नहीं आएगी। देखिए, तो ये आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये जो है इसको पर्सन के हिसाब से समझिए। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है आई, फर्स्ट पर्सन प्लुरल नंबर वी, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू, सेकेंड पर्सन में प्लुरल नंबर भी यू, थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर ही, सी और इट, ये तीनों एक ही है, ये तीनों का तीनों सिंगुलर नंबर है और थर्ड पर्सन के अंदर प्लुरल नंबर जो है वो दे होता है। तो ये जो है पर्सनल प्रोनाउन, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये पर्सनल प्रोनाउन है। अब हम समझेंगे कि इसी पर्सनल प्रोनाउन से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे बन जाते हैं। तो सबसे पहले इसको देखिए, पर्सनल प्रोनाउन को एडजेक्टिव के रूप में बनाइए। एडजेक्टिव के रूप में जब हम प्रोनाउन का केस पढ़ते हैं, केस ऑफ प्रोनाउन पढ़ते हैं पर्सनल प्रोनाउन का, तो उसमें हम समझते हैं कि पोसेसिव एडजेक्टिव जो है वो इसी पर्सनल प्रोनाउन से ही बनते हैं। कैसे, तो इस प्रकार से आई का, आई जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन, और ये जो है पोसेसिव है, पोसेसिव एडजेक्टिव है, यानी ये नाउन या प्रोनाउन, नाउन सॉरी, ये नाउन के पहले आया करते हैं, ये माय, आवर, योर, योर, हेल, हिम, हर, इट, इट्स, देम, तो ये सब सारे जो है ये एडजेक्टिव्स हैं। तो ये एडजेक्टिव्स बने क्या चीज से हैं, तो ये पर्सनल प्रोनाउन से बना हुआ, ठीक है। तो आई से माय बना, वी से आवर, ठीक है, यू, योर, यू, योर, ही, हिम, सी, हर, इट, इट्स, दे, देम, तो इस तरह से यह एडजेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन से बना हुआ है। अब देखिए, इसी एडजेक्टिव को अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में किस तरह से ढालते हैं। एक वर्ड है सेल्फ, एस ई एल एफ, सेल्फ, सेल्फ का मतलब होता है स्वयं या खुद, ठीक है। तो सेल्फ जो है, एस ई एल एफ, सेल्फ, सेल्फ एक वर्ड है, अकेला वर्ड है, वैसे इसका मतलब होता है स्वयं या खुद, मैं स्वयं ही, मैं खुद ही, ये होता है। अब इसका जब प्लुरल बनेगा, यानी मैं बहुत रहूंगा, यानी कि प्लुरल नंबर बहुवचन रहेगा, तो सेल्फ जो है, आप सिंगुलर प्लुरल का जो चैप्टर है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि सेल्फ को जब प्लुरल बनाते हैं तो सेल्फ होता है, यानी कि एस ई एल वी ई एस, जिस तरह से वाइफ, किसी की चार पत्नियां हैं, क्या करेंगे, वी आई वाइफ ऐसे लिख रहे हैं, देखिए जैसे है वाइफ, डब्ल्यू आई एफ ई, इसको क्या करते हैं, डब्ल्यू आई वी ई एस, वाइफ्स, लीफ, एल ई ए वी एल ई ए एफ, लीफ, लीफ मतलब होता पत्ता, किसी भी चीज का पत्ता, और ये जब ये सिंगुलर में है तो लीफ है, जब प्लुरल बनता है तो हो जाता है एल ई ए
भी ईएस, यानी लास्ट में एफ या ई एफ रहे, यानी किसी भी सिंगुलर नाउन के अंदर यदि एफ या एफ ई रहे उसके अंत में, तो उसे प्लुरल बनाने के लिए हमें एफ या एफ ई को रिमूव करके भी ई एस को एड करना पड़ता है। तो इस तरह से सेल्फ का प्लुरल फॉर्म जो हो गया वो हो गया सेल्फ, यानी एस ई एल भी ई एस। अब आइए देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे बना। तो माई के अंदर ये सेल्फ एड हो गया, तो माई के अंदर सेल्फ एड हो गया, तो इसका मतलब हो गया माई सेल्फ, तो इसका हिंदी हो जाएगा मैं स्वयं, मैं, इसका हिंदी हो जाएगा मैं स्वयं। वी से आवर बना है, आवर के अंदर सेल्फ को एड करते हैं, तो आवर क्योंकि वह प्लुरल नंबर है, तो सेल्फ एस ई एल एफ नहीं एड होकर के एस ई एल भी ई एस एड होगा, इसलिए यहां क्या हो गया वो आवर सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स। उसके बाद है यू, तो यू में एक बात गौर करने लायक है कि यू के अंदर सिंगुलर भी होता है और प्लुरल भी होता है, तो जब सिंगुलर की बात होगी तो होगी योर से बन करके योर सेल्फ एस ई एल एफ, देख लीजिए गौर से एस ई एल एफ ये सिंगुलर है, और उसी योर में भी ई एस, एस ई एल भी ई एस, ये जो सेल्फ जुड़ गया तो ये प्लुरल नंबर है। यहां आप देख सकते हैं ये सिंगुलर है और ये प्लुरल है, ये पंक्ति प्लुरल की है और ये सिंगुलर की है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे ही, अब ही का जो अंदर सेल्फ को हम एड करेंगे तो देखिए क्या बनता है, हिम हिमसेल्फ, सी का पोसेसिव एडजेक्टिव हर, हर के अंदर सेल्फ एड कर दिए हर सेल्फ, इट का इट्स इट्स सेल्फ, देम दे दे का, और देम में चूंकि वो प्लुरल नंबर है तो सेल्फ लगेगा न कि सेल्फ लगेगा, सेल्फ सेल्फ यानी कि देम सेल्फ, देखिए आप टी एच ई एम एच ई एल भी ई एस देम सेल्फ। तो इस तरह से आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को बनाना सीख गए। अब आइए उदाहरण से समझते हैं कि इसका प्रयोग कैसे करते हैं, इसका यूज किस प्रकार से होता है, ठीक है बच्चों। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग आइए देखते हैं। ही किल्ड हिमसेल्फ, ही किल्ड हिमसेल्फ यानी कि उसने मार डाला, किल्ड मतलब मारना होता, उसने मार डाला हिमसेल्फ, वो किसको मारा, तो देखिए यहां पर ये स्वयं के अर्थ में आता है, ही किल्ड हिमसेल्फ, ये हिमसेल्फ का मतलब हुआ वह स्वयं, वह स्वयं यानी कि वह खुद, उसने खुद को मार डाला, उसने खुद को मार डाला। तो ये हिमसेल्फ जो है वो इस ही का प्रतिबिंब है, ही को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। वीडियो के शुरुआत में मैंने बताया था ये इसके अंदर इस तरह से प्रयोग किए जाते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वह सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। कभी कभी इसके प्रयोग में गलती हो जाया करती है, तो आपको गलत बिल्कुल नहीं समझना है, आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझिए। उसके बाद जिस प्रकार का सब्जेक्ट होगा उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी उसी से रिलेटेड होना चाहिए। यदि यहां पर हिमसेल्फ है, यदि उसके स्थान पर आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम, हर सेल्फ, इट सेल्फ दें, तो ये बिल्कुल गलत होगी, इस तरह से नहीं बनेगा, ये गलत हो जाएगा। इसलिए यहां पर देखिए ही किल्ड हिमसेल्फ, उसने स्वयं को मार डाला, उसने स्वयं को मार डाला। अब देखिए आई हाइड माई सेल्फ, मैंने स्वयं को छिपाया, मैंने स्वयं को छिपाया, मैंने छिपाया खुद को, किसको, खुद को। तो ये माई सेल्फ जो है किसको रिफ्लेक्ट करता है, आई को, यानी माई सेल्फ आई को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए यह जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं, यू से समथिंग योर सेल्फ, यू आपने कुछ कहा, कैसे, तो आप स्वयं ने ही कहा है, यानी कि यू से समथिंग योर सेल्फ, आपने कुछ कहा है, तो कहा किसने है, आपने स्वयं कहा है, ठीक है। जब कोई क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी जब हम लोग ग्रुप में होते हैं कहते हैं से समथिंग अबाउट योर सेल्फ,
से समथिंग अबाउट योर सेल्फ, फिर सुनिए, से समथिंग अबाउट योर सेल्फ, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो इस तरह से जो बताया जाता है इसमें क्या है, वह आपसे पूछना चाहता है कि आपका परिचय क्या है और आप जो है खुद के बारे में कुछ बताएं, स्वयं के बारे में कुछ बताएं, इसलिए बताया, इसलिए कहा जाता है से समथिंग अबाउट योर सेल्फ, यानी आप जो आप कहिए, कुछ कहिए और स्वयं के बारे में कहिए, ठीक है। तो ये योर सेल्फ जो है वो सब्जेक्ट को ही रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। आगे बढ़िए, यू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ, आगे देखिए लिखा है वी अब्सेंट योर सेल्फ, वी अब्सेंट योर सेल्फ, हम लोग स्वयं, हम लोग जो अब्सेंट है, हम लोग किसी क्लास से या कहीं से भी अब्सेंट है, किसी सेरेमनी में जाना था मैं नहीं जा पाया, हम लोग नहीं गए। तो क्यों नहीं गए, कारण कुछ होगा अलग बात है, लेकिन हम लोग स्वयं अपने आप को अब्सेंट कर लिया, ठीक है। योर आवर सेल्फ, वी अब्सेंट आवर सेल्फ, हम लोग अब्सेंट जो किए आवर सेल्फ, मतलब मैं, हम लोग स्वयं किए, न कि किसी के रोकने से किए, ठीक है। तो अब्सेंट करने का काम यहां पर किसने किया, हम लोगों ने स्वयं की है, इसलिए यहां पर वी के लिए जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो होगा आवर सेल्फ, ठीक है। अब बढ़िए आगे, दे लर्न इंग्लिश देमसेल्फ, दे लर्न इंग्लिश देमसेल्फ, वे लोग इंग्लिश सीखते हैं कैसे, देमसेल्फ, वे स्वयं ही सीखते हैं, वे स्वयं ही सीखते हैं, वे लोग बहुत सारे, प्लुरल नंबर है, ठीक है। तो प्लुरल नंबर में इसलिए लगा हुआ एस ई एल वी ई एस, यानी सेल्फ, सेल्फ एस ई एल एफ, सेल्फ देंगे सिंगुलर नंबर में और एस ई एल वी ई एस यह देंगे प्लुरल नंबर में, ठीक है। तो यहां से आप सिंगुलर प्लुरल देख सकते हैं, आई सिंगुलर, वी प्लुरल, यू सिंगुलर, ये यू प्लुरल, ही सी इट सिंगुलर और दे प्लुरल, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है सिंगुलर और प्लुरल के हिसाब से सेल्फ और सेल्स यानी एस ई एल वी ई एस को एड कर सकते हैं। अब देखिए उदाहरण को, एक और उदाहरण है, सी कट हर फिंगर हर सेल्फ, उसने अपनी उंगली काट ली, लेकिन कैसे काटी, स्वयं ही काटी, उसको किसी ने नहीं काटा है, उंगली कट हो गई है। तो सी कट हर फिंगर हर सेल्फ, उसने अपनी उंगली स्वयं ही काटी है, ठीक है। तो ये हरसेल्फ जो है वो किसको रिफ्लेक्ट करता है, सी को, ये देमसेल्फ किसको रिफ्लेक्ट करता है, दे को, आवर सेल्फ किसको रिफ्लेक्ट करता है, वी को। तो इस तरह से बिल्कुल क्लियर है कि आप बिल्कुल अच्छे से समझे हैं। और आवर सेल्फ योर सेल्फ इसके बीच जो प्रयोग होता है एक और प्रोनाउन में होता है, वह प्रोनाउन है आपका आने वाला प्रोनाउन जिसका नाम है इम्फैटिक प्रोनाउन, ठीक है। तो इम्फैटिक प्रोनाउन के अंदर किस तरह से इन सारे शब्दों का, इन सारे वर्ड्स का यूज करते हैं, उसको हम अगले वीडियो के इम्फैटिक प्रोनाउन चैप्टर में डालेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, आज आशा है आपने माई सेल्फ योर सेल्फ का रिफ्लेक्सिव टाइप जो है आपने बिल्कुल अच्छे से सीखा है। और यह माई सेल्फ आवर सेल्फ योर सेल्फ जो है बहुत तंग किया करता है इंग्लिश भाषा को सीखने में, इसलिए आप इस वीडियो को एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार देखिए, जब तक आपको समझ में नहीं आ जाए। और मेरा विश्वास है यदि एक बार भी यदि आप पूरे दिल से सुनते हैं, हृदय से सुनते हैं इसको, और हमारी बातों को सुने और बोर्ड को पॉज करके उसका जो है आप उदाहरण भी नोट कर सकते हैं, तो इससे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आप एक बार जब सीख लेंगे तो आप कभी भी इंग्लिश के इन शब्दों का प्रयोग में कन्फ्यूज नहीं रहेंगे, इसलिए आपका यह वीडियो देखना बहुत जरूरी है। और आशा है आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू आज के लिए, और आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।